किचन में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल। दोस्तों ये दाल एकदम सुपाच्य और हेल्दी होती है, ये हमारी फैमिली में कभी कभी बनती है। दोस्तों आइए देखते हैं हम इसको कितने सरल तरीके से बनाते हैं। इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिया है पहले मैं उसे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चुटकी भर हींग लिया है और ये स्वाद अनुसार नमक, ये मैंने तेल लिया है 100 ग्राम, ये एक प्याज मैंने मीडियम आकार की, इसको मैंने छील कर काट लिया है। और अब मैं इसमें जिस मसालों का यूज करूँगी मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये मैंने अदरक के 4-5 टुकड़े लिए हैं, ये मैंने काली गोल मिर्च मरीच ली है, ये लाल मिर्च 2 पीस, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2 खटाई के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 मीडियम आकार का प्याज, इसको भी मैंने छील कर काट लिया है। तो दोस्तों अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपने इस दाल को धुलकर, अच्छी तरीके से धुलकर इसको पानी में 10 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों हमारे इस दाल को भीगे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इस दाल को धुलकर अच्छी तरीके से धुल लिया है इसको। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। हम इसमें करीब 1/2 लीटर पानी डालेंगे, जितना कि मेरा दाल ऊपर आ जाए बस। दोस्तों हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि दाल से हमारा बस 1.5 इंच ऊपर रहे कुकर में। अब हम इसमें नमक और हींग डालते हैं। और इसमें हम ये अपनी 2 खटाई डालते हैं बस। अब हम इस कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा देते हैं और इसकी 3-4 सीटी आने देते हैं। दोस्तों हमने इसे गैस पे चढ़ा लिया है, अब हम हाई फ्लेम पे इसे कम से कम 3-4 सीटी आने देते हैं। जब तक हमारे कुकर में सीटी लगती है तब तक हम अपने मसालों को पीस लेते हैं मिक्सर में। इसको हम महीन बारीक पीस लेते हैं तब एकदम मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स हमारे कुकर में 5-6 सीटी आ चुके हैं। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे कि ये हमारी दाल पक गई है या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी दाल पक गई है, हमारी दाल लगभग बन चुकी है। अब हम इसमें छौंका लगाएंगे। इसके लिए अब हम मसालों को भून लेते हैं, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है, अब हम अपना फ्लेम ऑन कर लेते हैं। दोस्तों हमने लोहे की कढ़ाई यूज की है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। हमारी दाल बस 150 ग्राम थी, इसलिए हम इसके मसाला और तेल वगैरह ये सब कम रखेंगे। अब हम इसमें तेल जब लाल हो जाए तो हम इसमें प्याज डालेंगे। दोस्तों हमारा तेल लाल हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और मैंने आधी मिर्ची के टुकड़े लिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे साथ में। जब तक हमारा प्याज लाल न हो जाए तब तक हम इसे कुछ नहीं डालेंगे। दोस्तों हमारा प्याज जल्दी लाल हो इसके लिए हम इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज जल्दी लाल हो।
इसने दाल में पहले भी नमक डाल रखा है, इसलिए हम इस प्याज में ज़्यादा मिर्ची डाल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा प्याज हल्का सुनहरा लाल होने लगा है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे और इसमें तेल थोड़े तक भूनेंगे। मैंने जो तेज पत्ता ये भून किया है, तेज पत्ता ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको भी डाल सकते हैं प्याज के साथ लाल करके। मसाले को लगातार इसी तरीके से भूनते रहेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, पा रहे हैं, हमारे मसाले में तेल छोड़ना शुरू कर दिया, ये पूरी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें अपना जो दाल मैंने पका के रखा था, पहले से बना के रखा था, ये हमारा दाल, अब हम इस दाल को इसमें मसाले में डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर हम फिर और बनाएंगे इसी तरीके से। अब इस मसालों को हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और कम से कम 5 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। हम इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से बनने देंगे। दोस्तों, हमारी दाल बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालकर सर्व कर सकती हैं। दोस्तों, हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अपने